आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाक वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि उम्मीद है हमारे तमाम उम्मीदवार जीत जाएंगे। पीपल्स पार्टी की हिमायत गैर मशरूत है। पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे अंदाज में मामलात और इत्तेहाद आगे चल रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम से ही माशी इस्तेहकाम आएगा। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से यहाँ तेल के निरखों में इजाफा करना पड़ा। वफाक वजीर मुसद्दिक मलिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के साथ माशाल्लाह बड़े तरीके से सियासी अमल जो है और हमारा जो इत्तेहाद है वो आगे बढ़ रहा है। आपने देखा कि इससे पहले भी गैर मशरूत अंदाज में उन्होंने सपोर्ट की थी नेशनल असेंबली में, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, और अभी भी उनकी सपोर्ट जो है वो गैर मशरूत, क्योंकि मेजॉरिटी एक क्लियर मेजॉरिटी पीएमएलएन की थी, तो उन्होंने उसका एहतराम भी किया और हमें सपोर्ट भी किया और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। बैन अल-अक़वामी मंडी में हमेशा सबसे पहले जो चीज़ अनसर्टनटी का शिकार होती है वो खाम तेल की कीमत है या पेट्रोल और डीजल की कीमत है। फ़ौरन उसमें तेज़ी आ जाती है, बिकॉज जो बैन अल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमत है या गैस की कीमत है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सलामती और स्टेबिलिटी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की वो हमारा फ़र्ज है। जब से अवामी हुकूमत आई है पिछले कुछ एक आध महीने में डॉलर और रुपए में के तनासुब में स्टेबिलिटी भी आ रही है और थोड़ी कमी भी आई है।